जब सलमान खान संग उड़ गई थी सोनाक्षी सिन्हा की शादी की अफवाह, एक्ट्रेस ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी वेडिंग को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ इस वीकेंड सोनाक्षी शादी रचाने वाली है। इस कपल की वेडिंग को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म है और इनसे जुड़ी हर बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन उस वक्त उनका नाम सुपरस्टार सलमान खान के साथ जुड़ा था। इस बात में कितनी सच्चाई थी, उसे इस लेख में विस्तार से समझते हैं। साल 2022 में जब देश कोरोना महामारी से लड़कर वापसी कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरों का चलन भी खूब प्रचलित हो रहा था। उस दौरान सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की कुछ फेक फोटो जमकर वायरल हुई थी और ये दावा किया जा रहा था कि दुबई में इन दोनों ने शादी रचा ली है। इन अफवाहों का खंडन सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, क्या आप सभी बेवकूफ हैं? आपको मॉर्फ्ड नकली और असली फोटो में फर्क समझ नहीं आता। एक्ट्रेस के हस्तक्षेप के बाद सलमान और उनकी शादी झूठी खबरों का पर्दाफाश हो गया था। असल जिंदगी में अब 23 जून को सोनाक्षी जहीर इकबाल के साथ शादी करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि सलमान उनकी शादी में बतौर गेस्ट शामिल हो सकते हैं। बतौर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। साल 2010 में सोनाक्षी ने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग से अपनी एक्टिंग करियर का आगाज किया था। अब तक वह दबंग फ्रेंचाइजी की 3 मूवीज में नजर आ चुकी है। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वायर टॉक को सब्सक्राइब करें।